आदाब नमस्कार, आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। आज मैं आपको सुना रहा हूँ इस्मत चुगताई का अफसाना। पेनी, उसने बारी बारी दोनों पैर जमीन पर पटके, हाथ और गहरे जेबों में ठूस लिए, जैसे जेबों की तह में सेंट्रल हीटिंग का कोई मुआवजा छुपा हो। ऊनी दस्तानों के बावजूद बर्फ की सलाखों जैसी उंगलियां कुछ सुस्ता ली। गुस्से में उसने वो टोपी भी पहने के खींच मारी थी जो उसने पिछले हफ्ते बतौर तोहफा दी थी। किस कदर अहमकाना हरकत थी, मगर उसे क्या पता था कि हमेशा की तरह उसके पैरों पर लिपट कर रोने की बजाय वो हैरतजदा मुंह फाड़े बैठी रह जाएगी। दरवाजे से निकलते वक्त उसने पेनी की घुटी घुटी हुई चीख सुनी थी, या शायद उसके कान बज रहे थे, क्योंकि जब झगड़े के बाद वो कभी ना पलटने वाले ड्रामाई अंदाज में दरवाज़ा धड़ाके के साथ बंद करके ट्यूब स्टेशन की तरफ लपका था, तो उसे पेनी की सिसकियों और कट कट बोलते जूतों की आवाज़ नहीं सुनाई दी थी। फिल्म रोड पर मुड़ते वक्त वो एक लम्हे के लिए सिगरेट सुलगाने को रुका। उसके पीछे सड़क सुनसान पड़ी थी, सिर्फ पार्क की हुई गाड़ियों की लाल रोशनियां टिमटिमा रही थी। सबसे कम कीमत सिक्के के नाम वाली पेनी से बड़ी महंगी पड़ रही थी। चेहरे की मरम्मत कर रही होगी, उसने अपने दिल को समझाया। पेनी बैतुल खला जाते वक्त भी बेख्तियारी तौर पर पाउडर का पुचारा जरूर फेर लिया करती थी। इमारत कुछ ज्यादा ही तेजी से ढह रही थी। वो किक्सर की तरफ चल पड़ा। नहायत तेज कदम के अगर पेनी भागती हुई लर्जा खैजा आए तो उसे रपटाने के लिए काफी लंबी सड़क मिले। आज उसने पेनी को बहुत रुलाया था। या तो इस घर में फीफी रहेगी या मैं, उसने दबंग आवाज में ऐलान कर दिया था। मगर पेनी उन दोनों के बगैर जी नहीं सकती थी। फीफी उसकी जान थी तो इरफान उसका जिगर। इतनी अहम अशिया के बगैर कोई कैसे जी सकता है। पेनी के आंसू हरदम तुले खड़े रहते थे। फीफी दंबर को नजरों के सामने से ओझल हो जाए तो फौरन लड़खड़ा कर बहने लगते। समझाते समझाते बेचारे का हलक खुश्क हो जाता, मगर जब तक फीफी वापस ना आ जाती पेनी जिंदगी अजीर्ण कर देती। उसने बहुत समझाया, फीफी सियानी हो गई है, उसे आशिकों की चाह वारफ्ता किए हुए, और ये सर्दी का मौसम तो और भी जी को आग लगाता है। मगर पेनी भड़क उठती, ये सरासर बोतान है एक कमसिन नादान ईरानी नजाद पर। फीफी नहायत मीठी और रसीली सही फीफी नहायत मीठी और रसीली सही हर गहरे को मुँह नहीं लगाती थी। सख्त नक चढ़ी थी, जमीन उसकी नस्ल ख़राब नहीं हुई। उसे फीफी की नाजुक मिजाजी पर बड़ा फख्र था, बिल्कुल रॉयल फैमिली वाला हिसाब किताब था। कीमती रोबियों सड़क पर चक्कर काटते नहीं मिलते, बड़ा चरखा आता है उनके मिलन पर। मगर खुद पेनी नहायत गैर शाहाना मिजाज की थी। उसका बाप बैंक क्लर्क था, उसकी दो बड़ी बहनें कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में बड़ी कामयाब शादियां रचाकर ऐश कर रही थी। उसका एक भाई ईस्ट में इंजीनियर था, दूसरा हवाबाज था, वो सबसे छोटी थी, और अंग्रेजी जबान बड़ा मजबूत जीना है एक दफ़ा अच्छी तरह पकड़ में आ जाए। सूरज शक्ल काम चलाओ भी हो तो इधर अरब मुल्कों में फटाफट तरक्की की बुलंदियों को छुआ जा सकता है। शुरू में उसके बाप ने रुपये भेजे और माँ भी हर साल ईस्टर क्रिसमस पर कुछ ना कुछ भेजती रही। फिर वालदैन की तलाक हो गई और दोनों ने अलग अलग शादियां कर ली तो इमदाद बंद हो गई। उसे अंग्रेजी काम चलाऊ ना आ सकी, और वो दो चार घरों में ऊपर के काम निपटा लेने से अच्छी खासी उसकी गुजर होने लगी कि किसी के साथ कमरा शेयर करने में बड़ी सहूलत रहती है। मगर दो अंग्रेजी सीखने की ख्वाहिश का साथ बेकार साबित होता रहा। बॉयफ्रेंड का सहारा तो अंग्रेज मुंह में घुंघनियां डाले रहते हैं। वो जानता है अंग्रेजी सीख गई तो लौंडिया भाग जाएगी,
इसलिए ज्यादा वक्त बोसो किनार में सर्फ करता है। नीगरों की अंग्रेजी से अल्लाह बचाए। और फिर रह गए नौजवान पाकिस्तानी हिंदुस्तानी शक्ल सूरत के भी, ठीक अगरचे अंग्रेजी अव्वल नंबर की बोलते हैं मगर बड़े ही नैरो माइंडेड होते हैं। छूटते ही शादी पर मुसर, कमबख्त जितना नादार होगा उतना ही शादी का इंतहाई शौकीन। यार दोस्त वक्त बे वक्त नाजुकी और नहायत रोशन खाली पर मुसर। रोटी कपड़े के सहारे की बतलाशी होती तो अपने देश में भी दूल्हाओं की कमी ना थी, मगर सैलानी तबीयत की हर लड़की पहले दुनिया देखना चाहती है। दो हमल ज़ाय करा लेने के बाद अब खासी तजुर्बेकार हो गई थी। रोजी कमाना क्या मुश्किल है, विलायत पे कमबख्त एक न एक दिन तो अंग्रेजी आ ही जाएगी। फिर वो पहले तो अमेरिका जाएगी, वहाँ करोड़पति सड़कों पर रुकते हैं, अंग्रेज जागीदार इटालियन शहजादे फ्रांसीसी होटलों के मालिक अब से बारबरा कार्लेन की नावलों में ही मिलते हैं। वरना ज़्यादातर ये ओपियो गर्ल्स बड़े चक्करों से गुजरती हैं। अंग्रेज बहुत जल्द उगता कर नए जोड़े में दिलचस्पी लेने लगता है। बच्चा ठिकाने लगाने में कामयाबी ना हो तो झेल जाती हैं। बहुत मांग है गोद लेने वालों में, अच्छे दाम मिलते हैं, बच्चे को बाज मनचली खुद पालने लगती हैं या वालदेन को बख्श देती हैं। पेंशन के बाद वालदेन जी बहलाने के लिए कुत्ते बिल्लियाँ और बच्चे भी पाल लेते हैं। गवर्नमेंट से भी कुछ मदद मिलती है। पेनी खुली दिमाग नहीं, बस ज़रा भोली सी है। हर जानदार चीज़ पर ममता बिखेरने लगती है। पहले मैं समझती थी आयरलैंड और स्कॉटलैंड इंग्लैंड का एक हिस्सा है, सब अंग्रेज़ी हुए। मगर बाज़ लोग बहुत बुरा मानते हैं अगर घपला कर दो, बिल्कुल आज़ादी के बाद अपने देश के सूबों की तरह। वहाँ भी यही फैशन है, गुजराती मराठी सिंधी पंजाबी, फिर जुनूब में मद्रासी बेंगलोरी केरलाइट्स और न जाने कितने, जिसे इंग्लिस्तान में सब अंग्रेज़ नहीं, यहाँ भी सब हिंदुस्तानी नहीं। इंग्लैंड में भी ओपियो गर्ल्स, मुझे तो कोई अंग्रेज नहीं मिली। हम सभी चिट्टी चबड़ी वालों को अंग्रेज समझते हैं। झाड़ू देने वाली मेम को मैंने अंग्रेज कह दिया तो वो बहुत खफा हुई कि वो आयरिश है। पेनी का पहला आशिक भी अंग्रेज था, थोड़ा बूढ़ा हो चला था, पहले दर्जे का हरामी था, घर के कामकाज के अलावा चंद घंटे फैक्ट्री पर भी काम करवाता था। कमबख्त बहुत भूंदू थी, एक दिन चौपले पर छोड़ के चल दिया, बहुत दौड़ी भागी, मतलब भला वो हाथ ना आने वाली रकम था। पेनी को हमल रह गया, आशिक सादिक को मालूम हुआ तो एकदम मलाई का लच्छा बन गया, हमल गिराने पर राजी कर लिया। डार्लिंग दिन ज़्यादा चढ़ गए, मेरे घर वालों को पता चल जाएगा कि शादी मजबूरन की है, जायदाद का लफड़ा खड़ा हो जाएगा। अस्पताल में यानी जो खालिस इस काम के निजी अस्पताल होते हैं, ढेर सारे फूल लेकर आया। फिर जिस दिन वो वापस फ्लैट पर पहुंची तो पता चला कि वहाँ तो कोई और डटा हुआ है, आशिक का सादिक एकदम गायब। साउथ किंगस्टन पहुंचकर इरफान ने दूसरी सिगरेट सुल गई। पेनी पर ऐसी झगड़े की क्या बात थी, उसने इतनी सर्दी में सीनियर्स को वॉक कराई। ये कमबख्त सफ़ेद लोग कुत्ते बिल्लियों पर क्यों जान देते हैं, इरफान की समझ में बिल्कुल ना आया। माँ बाप बूढ़े हो जाए तुरंत पेंशन हाउस में रख दिया जाए, मगर कुत्ते बिल्लियाँ जब तक रिज रिंज कर गोद में दम ना तोड़ दें उन्हें सीने से लगाए रहते हैं, रोते रहते हैं, बड़ी शान से जनाजा उठेगा। सीजर्स को शुरू ही से इरफान से कुछ सौतिया डाक किस्म की शिकायत हो गई थी, नहायत बदजौक और बदमिजाज लहीम शहीम नस्ल का कुत्ता था, शजरा नजब किसी नहायत मरखन्ने जनरल के नहायत कनखटे ग्रे हाउंड से जाकर उलझता था। पेनी के किसी वेस्ट इंडियन आशिक ने कभी उसके लाज जड़ दी थी,
बस एकदम काली कौम का बैरी हो गया। आला नस्ल के कुत्तों की याददाश्त भी बहुत तेज होती है, बस जरा सांवला रंग देखता अपनी बेइज्जती की याद टीस मारती और नरखरे में नफरत का लावा गर गर गड़गड़ाने लगता। इरफान ने सीजर्स के मामले में कितने मोर्चे लड़े, सीजर्स ने कभी काटा भी नहीं, मगर कभी उसका सांवला दोस्त भी आ जाता तो फौरन खाने की मेज के नीचे घुस जाता, ऊपर नीचे सांस खींच खींच कर हुर्राटे भरने लगता, इरफान का खून खौलने लगा। सीजर्स मुँह ही मुँह में बड़बड़ाता जैसे दांत पीस पीस कर गालियां दे रहा हो बहन की। इरफान का सर चकराया, इस पर भी वो उसी लहजे में मोटी मोटी पंजाबी में मुगलजात सुनाने लगा और कत्ल की धमकियों पर उतर आता। क्या कर रहे हो अरफी, पनीरों पड़ती इस छिनाल के पूत की अम्मा की बहना की, प्लीज डोंट, सीरियस बहुत हिसास है और मैं जैसे तुम्हारे जूते की अपनी एड़ी हूँ। साला बहन का यार मेरी सात पुश्तों का बखान कर रहे, तब कुछ नहीं मूड में होती तो हंसते हंसते लौट जाती, उसकी गोद में कूद पड़ती, बेडरूम की तरफ घसीट ले जाती। सीजर शदीद जहनी कर्म में मुब्तला होकर धाएं धाएं भोगता रहता। कसम है एक दिन यह हरामी मेरा टेटुआ दबा देगा। तो पेनी बेडरूम से ललकारती, चुप हो जाओ डियर, और डियर सीजर्स मुंह थोता के खामोश हो जाता जैसे कह रहा हो कुत्तों से भी खेला करो, परवाह नहीं। असल में ये बास्टर्ड मदर कॉम्प्लेक्स का शिकार है, इसकी माँ बड़ी लफंगी होगी, गली के कुत्तों से फ्लर्ट करती होगी, अंग्रेजी की गालियाँ नहायत फनफनी होती हैं और पंजाबी पश्तो उर्दू की गालियाँ उगलने लगता, हरगिज़ नहीं। सीजर्स रंजीबुल तरफैन है, मेरे पास उसका शजर नसब मौजूद है। तब पेनी इरफान के छक्के छुड़ा देती, वो खमीरी आटे का लौंदा रह जाता। सभी पेनी को गोलक में डालकर काम चलाते हैं। बादशाह सलामत की शबी मुबारक से आरास्ता पेनी की तरह वो घूमकर वही लौटाती, 9 साल घिसर गए मगर नाम मुराद अंग्रेजी ना आई, क्योंकि कभी फ्रांसीसी से पाला पड़ा, कभी मैक्सिकन, कभी वेस्ट इंडीज का काला भौरा, कभी कोई मंचला पठान ये सरदार जी मेहरबान हो जाता, कभी इतना पिए होती कि उसका गाहक दलाल बन बैठता और बाकायदा क्यों लग जाता। अगर होश आ जाता तो वो वक्फे में सीजर्स को पुकारती और आराम से उसे गले में बाहें डाल के सो जाती। सीजर्स की मौजूदगी में किसी को मजाल ना थी कि जो पेनी को गुल्लक में डालने की जुरत करता। जब इरफान पेनी से मिला तो वो अपनी इंग्लिस्तानी ज़िंदगी के बदतरीन दौर से गुजर रहा था। वो दिन बार बार याद आता था जब अम्मी जान ने ज़मीन के 2 टुकड़े बेचकर उसका विलायत जाने का इंतज़ाम किया था। 2nd डिवीज़न में MSc करने के बाद एकदम उसे इंजीनियरिंग का शौक चल रहा था। सारा ख़ानदान एयरपोर्ट पर जमा था, इमाम ज़मीनों के बोझ से उसके हाथ ना उठते थे। वो अब वतन में वक्त बर्बाद करने को हरगिज़ तैयार ना था। वो पहला इंसान था जिसने ख़ानदान में MSc किया था। 2 साल बीच में कहीं डूब चुके थे, मुस्तकबिल को रोशन बनाने के लिए उसे किसी रोशन मुल्क की कदरदानी की ज़रूरत थी। BSc के बाद कुछ ना बना तो MSc में कौन से लाल जवाहर जड़ जाएंगे, अपने मुल्क में इंसान की कदर नहीं। उसे कई दोस्त जो उससे कहीं ज़्यादा नालायक थे इंग्लैंड अमेरिका या कनाडा चले गए थे और वहाँ ठाट कर रहे थे। आखिर जायदाद भी कुछ उसका भी हिस्सा था, अगर वालिद साहब बस आने जाने का किराया दे दें तो अपने जुमला हुकूक से दस्तबरदार हो जाएगा। फिर जब वालिद साहब के दिल के दौरे में ख़त्म हो गए तो अम्मा ने उसकी दिली आरजू पूरी करने में ज़रा भी तकल्लुफ़ नहीं किया। अगर काम ना बना तो बड़े भैया ने कहा था, बड़े भैया काम ना बनने का सवाल ही नहीं उठता। समझ में नहीं आता जब यहाँ कुछ तीर ना मार सके तो
यहाँ कोई इंसान तरक्की नहीं कर सकता, और फिर मैं अपना हिस्सा ही तो ले रहा हूँ, थोड़ा अम्मा जान का भी। चुशलांदे कमरे में दम घुटने लगा। सीजर्स मेज के नीचे से गुरगुरा रहा था, उसका दम घुटने लगा। चरचराती सीढ़ियों से उतर कर बाहर आ गया, और अब शेख बस्ता जमीन पर उसके तलबे सुलग रहे थे। पेनी के कदमों की चाप का इंतजार खोखला सा लग रहा था। यह पेनी की खुशकिस्मती थी कि उसकी मुलाकात जो से हो गई थी। 6 फुट 4 इंच लंबा और सुडौल जिस्म वाला, जो भी किसी घपले दर घपले की पैदावार था। बड़ी बड़ी नशीली आंखें पीछे कोयले जैसा चमकता रंग, अरबी उकाबी नाक, थोड़ी में गहरा खड्डा, मगर सबसे निराले थे उसके बाल, सुर्खी मायल हल्के गहरे गुत्थी बाल, जो एक नज़र डालता भंवर में चक्कर खाटने लगता। 5 फुट 6 इंच के मिस्टर विलियम की आखिर में फतेह हुई, उन्होंने उसे गोद ले लिया, गुज़िश्ता नौजवानों को कहीं और ठिकाने लगा लिया, दो को तो अपने एक पुराने दोस्त के पास अमेरिका भेज दिया। वो रेस के घोड़ों की पालपोस करते थे, एक तगड़े काहिलुल वजूद की तलाश थी, दो को कहीं मिडल ईस्ट में चिपका दिया, जो कि उनके इंतकाल के बाद ये 3 मंजिला इमारत विरसा में मिली, नीचे वो खुद रहता था। दूसरे माले पर 2 किराएदार और तीसरे छोटे से फ्लैट में एक नीम पागल आर्टिस्ट रहता था। दूसरे माले से एक दिन आधी रात को पेने के ग्राहक गाहक ने लात मार कर निकाल दिया। बाहर झड़ी लगी थी और जो का डबल बेड गर्म था। अगले दिन हफ्ता और इतवार था। सुबह जो पेनी को अपने डबल बेड पर फिसला देखकर याददाश्त की पोटली कुरेदने के बाद कंधे उछाकर नहाने चला गया। बावर्ची खाने में पेनी कॉफ़ी चढ़ाकर सुनहरी टोस्ट और अंडे तल रही थी। कुछ ज़्यादा बात नहीं हुई और गुंजाइश भी नहीं थी। पेनी ने उसका बड़ा स्वेटर पहन रखा था और जाम लगाकर छुरी चाट रही थी। पता नहीं ये अदा जो को क्यों भागे। उसे 2 पाउंड के नोट मेज पर डाले और फ्लैट की चाबी सामने फेंक कर चला गया। कब के भूले भटके मुसाफिर किसी स्टेशन पर मिल जाते हैं, बटन कांच में बैठ जाते हैं, लंबे सफर धीमे धीमे चलने लगते हैं। जिंदगी में पहली बार पेनी को घरदारी का लुत्फ उठाने का मौका मिला। जो को कुछ फर्क महसूस ना हुआ। पेनी हर गुल्लक में फिट होने की आदी हो चुकी थी। वो 29 साल की थी और क्लर्की के काबिल भी अंग्रेजी नहीं सीख पाई थी। मगर शायद ही कोई जबान ऐसी होगी जो उसकी समझ बूझ से बिल्कुल ही बाहर हो। मकान की सफाई, सौदा सुल्फ, कपड़े लॉन्ड्री में ले जाना लाना, बेतकल्लुफी से लिवरपूल के बाजार से अपने लिए भी जो जी चाहे खरीद लेती। जो ने कभी उससे हिसाब नहीं मांगा। जब पैसे मांगे पेनी ने फौरन हाजिर कर दिए। जब उसे छोड़कर जाने लगा तो रो पड़ा। उसने इमारत उसके नाम कर दी। जब वो बुलाए तो बेचकर चली आए। जहां भी जब भी, इतनी मोहब्बत तो उसके वालदैन ने उससे न की थी। और इस तरह इरफान उसका किराएदार से एक तरह का घरवाला हो गया। पर्दादार माहौल का आदि गोरी लड़कियों के दलदल में गले गले फंस गया। पहली दफ़ा जब उसकी पहली महबूबा उसके अजीज तरीन दोस्त राजदान के साथ स्विट्ज़रलैंड के ट्रिप पर चली गई, तो वो रकीब रूसिया के साथ उसे भी जहन्नुम वासिल करने के प्लान बनाता रहा। मगर एक दिन जब वो रोती पीटती लौटी और उसके सीने से धड़ाम से गिरकर साइनाइड खाने के प्लान बनाने लगी, तो उस पर रहम आ गया। वो भी गजब की तरह था, इरफान को उससे इश्क हो चला था। वो जहाँ काम पर जाती, बिल्डिंग के सामने फुटपाथ पर टहला करता। एक दिन वो किसी के साथ हंसती हुई निकली और इससे पहले कि इरफान पहुँचता वो उसी गाड़ी में बैठकर उड़न शुरू हो गई। इरफान के सर पर खून सवार हो गया। वो करीब 2 बजे के लौटी,
घंटों मोटर में बैठी उसे अख्तलात करती रही। इरफान दीवानावार कोट पहन निकल पड़ा, दरवाज़ा खोलकर उसने लड़की को घसीट लिया। मोटर फर्राटे भर गई, आसपास की इमारतों में चीख पुकार सुनकर खिड़कियां रोशन हो गईं। सहम कर दोनों अंदर भाग गए। बात क्या है, क्या बहुत पी लिए तुम उस हरामजादे के साथ? इरफान मारे गुस्से के पागल हो रहा था। कौन हरामजादा? वो मेरा बॉस है इडियट, दफ्तर का कुछ काम था। ये रात के दो बजे तक तुम दफ्तर का काम कर रही थी? अहमक ना बनो, होटल में खाना खाने के बाद उसके घर उसकी बीवी बच्चे समुंदर के किनारे गए हुए हैं। मैंने कॉफ़ी बनाई, फिर क्या, 2 बजे तक वो हरामजादा, मैं इसका सर तोड़ दूंगा। मेरा बॉस है, बड़ा प्यारा आदमी है, इसलिए तुम एक शादीशुदा आदमी के साथ? अहमक ना बनो, अगर तुम होते कौन हो हुक्म चलाने वाले इडियट? इरफान का खून खोल रहा था, मगर लड़की खाने की मेज़ के इधर थी। कई बार जी चाहा मेज पर चढ़कर दबोचते उसका गला। मैं तेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकता, इरफान ने भरे गले से कहा। आई एम सॉरी डियर, तुम मुझसे शादी कर लो कल सुबह। बंद करो बकवास। शादी को तुम बकवास कह रही हो? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकता। तब तो तुम्हें मरना पड़ेगा प्यारे। इसके अलावा तुम्हारे वतन में जो तुम्हारी मंगेतर इंतज़ार कर रही है, वो कोई मंगेतर नहीं, मेरी माँ और भाभी मेरे पीछे पड़े हैं, बहुत सी लड़कियों के पैगाम आ रहे हैं, मगर मैं उन्हें लिख दूंगा कि मैंने यहाँ शादी कर ली है। अच्छा, तुम यहाँ शादी कर रहे हो, मुबारक हो। मैं भी अगले स्तर पर जा रही हूँ, अपने बचपन के महबूब से शादी करने। उसका खत आया है कि उसकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही है, डॉक्टर है। मैं यहाँ नर्सिंग सीखने आई थी, तुम्हारी मंगेतर। मैंने कहा ना, मेरी कोई मंगेतर नहीं, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। और शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, मगर तुम्हें अपना प्रोग्राम बदलना पड़ेगा। तुम्हारा मंगेतर तुमसे शादी करेगा? यकीनन वो इतना जलील नहीं होगा कि तुम जैसी आवारा बदमाश औरत से शादी करे जो हर मर्द के साथ। एक मिनट मिस्टर, क्या मतलब है आपका? उसे मालूम होगा कि तुम हाँ हाँ बोलो, शर्माओ नहीं, तुम बेहयार रंडी हो, बदकिरदार। मगर क्यों, तुम हर मर्द के साथ? डोंट बी सिली, जानते हो मेरी उम्र 28 साल है, बल्कि अक्टूबर में 29 की हो जाऊंगी। मैं भी पिछली जुलाई में 31 का हो गया हूँ। मेरा मंगेतर तुमसे 2 साल बड़ा है, क्या ख्याल है तुम्हारा? क्या वो मेरे इंतज़ार में अब तक कुवारा बैठा है, कभी किसी दूसरी औरत की तरफ नहीं देखता? मगर वो मर्द है, ये तो मुझसे ज़्यादा और कौन जानते हैं। वो ज़ोर से कहा मारकर दीवान पर औंधी लेट गई। डॉक्टर है, मुनासिब ऊंच नीच जानता है, गांव का मामला है, थोड़ी प्रैक्टिस चल निकले तभी हम शादी कर सकते हैं। मुझे नर्सिंग का मौका नहीं मिला। वो तुम्हें माफ़ कर देगा? क्या माफ़ कर देगा, यही जो तुम यहाँ दूसरे मर्दों के साथ गुलछर्रे उड़ाती हो, तो क्या हुआ वहाँ? वो कौन सा साधु रमाए साधी सॉरी वो कहाँ वहाँ वो कहाँ वो क्या तो क्या हुआ वो कहाँ वो कोई धुनी रमाए बैठा है? तंदुरुस्त है, जवान है, बड़ी मेहनत करता है। अगर उसे पता चल जाए कि तुम यहाँ गैर मर्दों के साथ बेशर्मी से गुलछर्रे उड़ाती हो, तो फिर वही मूर्ख की एक टंग बार बार एक ही बात, कुछ नहीं करेगा। हमारे यहाँ शौहर बीवी की नाक काट लेगा, मगर तुम्हारा मंगेतर, ओ माई गॉड, हद से ज़्यादा बेरहमी है। और बीवी मियाँ को किसी दूसरी औरत के पहलू में पकड़ ले तो वो भी नाक कटेगी।
नहीं ऐसा कभी नहीं, कत्ल तो कर देती हैं औरतें। नाक काटना नहायत गैर मुहज्जब फेल है, कत्ल तो मैं भी कर सकती हूँ। अगर तुम्हारा डॉक्टर तुम्हें किसी के साथ पकड़ ले तो डॉक्टर ज़रा काट छाट गैर ज़रूरी समझते हैं। हाँ साइनाइड वगैरह ज़रूर दे देगा, तो फिर तुम्हारे मंगेतर को पता चल जाए कि तुम यूँ गैर मर्दों के साथ बेशर्मी। ए मिस्टर तुम अजीब बूंगड़ो, अगर मेरे मंगेतर को मालूम हो जाए कि मैं यहाँ इतने साल से बैठी उसकी याद में सूख रही हूँ तो उसके अवसान खता हो जाएंगे। मैं नॉर्मल नहीं हुई उसके अवसान खता हो जाएंगे कि क्या मैं नॉर्मल नहीं हूँ? कुछ जिस्मानी नुक्स है या नफ्सियाती टेढ़ापन है? 29 बरस की औरत 3 साल से बगैर जिस्मानी प्यार के जी सकती है? अगर जी सकती है तो वो ज़रूर ज़हनी मरीज है, हरगिज़ मुझसे ज़िंदगी भर का सौदा नहीं करेगा। कमाल है, इरफान चकरा गया लाहौल वाला, मैं तो ऐसी लड़की से हरगिज़ शादी नहीं करूँगा। तुम्हें कैसे पता चलेगा? चल जाता है पता, कुंवारी और फाहिशा का फ़र्क। इरफान मुस्कुराया, मगर मैंने सुना है बाजारी औरतें एक तरकीब से, मैं किसी बाजारी औरत से शादी नहीं करूँगा। इरफान ने जुमला काटा, मगर बड़ी कारगर तरकीब होती है, पास पड़ोस में तजुर्बेकार। अच्छा बकवास बंद करो। इरफान का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। भैया जी ने कई तस्वीरें लड़कियों की भेजी थी कि उनमें से किसी को पसंद कर ले, अब वो हरगिज़ किसी को पसंद नहीं करेगा। पड़ोस की तजुर्बेकार औरतें उफ खुदाया सर घूमने लगते हैं। मगर तुम तो कहते थे बेवा से शादी है बहुत, यानी बहुत अच्छी बात है। बेवा की और बात है, वो तो कार्य स्वभाव है, मगर मैं तो ना बेवा हूँ ना कुंवारी, तुमसे कैसे शादी कर सकती हूँ? तभी इरफान भिन्ना कर पैर पटकता ट्यूब स्टेशन की तरफ चल पड़ा था, और अब उसका जिस्म सर्दी से जमा जा रहा था, पैर जैसे गायब हो चुके थे। अगर कोई पुलिसमैन उसे देख ले तो ज़रूर पकड़ के बंद कर देगा, मगर वो उस तहबे के पास वापस नहीं जा सकता, फिर कहाँ जा सकते हैं? कई माह से उसके घर से रुपया आना बंद हो गया था, वो लोग समझ रहे होंगे कि वो विलायत में ठाट कर रहा है, ये नहीं जानते कि वो कंगाल हो चुका था। छोटी मोटी नौकरियाँ, बिस्किट फैक्ट्री में राज मजदूर का काम किया, पार्ट टाइम स्टोर में चिपका रहा, हाथ हमेशा खुला हुआ था, यार दोस्तों से इतने कर्ज ले चुका था कि किसी के पास जाने का मुंह भी ना रहा। इस शानदार मुल्क में विलायत में वो कंगाल था, काबिल यकीन बात नहीं थी। उसे इतनी शदीद मेहनत की कभी आदत ना थी। पेनी के सहारे ने उसे और भी निकम्मा कर दिया था, क्योंकि झेलती थी उसे। मर्दात का सहारा गनीमत होता है, मगर वो तो खुद उसका सहारा थी। ये क्या हो रहा है? ज़रूर कहीं कुछ गड़बड़ है, ज़िंदगी में भूल बढ़ती जा रही है। घर खत लिखने की हिम्मत नहीं करेगा, काले तो काले गोरों की भी कुछ खिसकी हुई हालत थी, रोज़ काले गोरों में झपटें हो रही थी। ये तो दयारे गैर था, वतन से नए नौजवानों के खुशामद भरे खत आ रहे थे, टिकट भेज दो हम भी आ जाएं। डोल यानी बेकारी का मुआवजा खींचतान में निकल जाते, उसने 2-3 बार ज़मीन पर पैर पटके और लौट पड़ा। चोरों की तरह जब दाखिल हुआ तो सीजर्स पेनी की पाइंती लेटा खर्राटे भरने लगा। डार्लिंग, पेनी की नन्ही सी कांपती हुई आवाज़ कलेजा चीर कर वजूद में उतर गई। सीजर्स धीरे से उतरकर मेज़ के नीचे जा बैठा। पिघली हुई पेनी को इरफान से ज़्यादा समझता था। बड़ी सर्दी लग रही है डार्लिंग, ये मनहूस बिजली का कंबल किसी काम का नहीं, सब वायर गल सड़ गए हैं। माइकल ने इस वीक का किराया भी नहीं दिया,
जी चाहता है हरामजादे का साफा सामान बाहर फेंक दूँ, मगर इतनी सर्दी है कहाँ जाएगा बुड्ढा। ऊपर गई थी, शराब में धूत थुत नाच रहे थे तीनों, वो औरत भी अभी तक ऊपर ही है, क्या भुतनी की तरह चिंगाड़ कर हंसती है। कम ऑन डार्लिंग, गजब की सर्दी है आज तो, पेनी बड़बड़ाती रही। जब पेनी सो गई तो इरफान के नरम गरम सीने में मुंह देकर देर तक लंबी लंबी सांसें लेता रहा, जो उसकी सिसकियों में उलझ गई। तो यह था इस्मत चुगताई का अफसाना पेनी।